सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल की बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ सीरीज। और आज सुबह बॉस मेरे से गलती थी इसकी रिकॉर्डिंग जो कि डिलीट हो गया था। लास्ट टाइम हम लोग जो कि है यहाँ कैनियन से निकले ही थे और अब ये वाली एरिया पहुँच चुके थे फॉरएवर नाइट से लड़ने के लिए, लेकिन गलती से मेरे से वाली पूरी वीडियो डिलीट हो चुकी है जो हमारी इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 होने वाला था। तो वापस खेलने का मतलब कोई मूड नहीं है, तो खेलने तो वाले नहीं है हम लोग। तो डायरेक्ट हम एरिया 51 से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हमको इनॉक से लड़ाई करनी है और इनॉक के बारे में पता करना है। और लास्ट एपिसोड जो मेरे से गलती से डिलीट हो गया उसमें सिर्फ यही था कि इनॉक के बारे में हमको पता चला था जो ओमेट्रिक्स की क्रिस्टल्स जो कि चुराया था। और इसको खेलते हैं तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हमको प्लम्बर रैंकिंग B मिला है। देखते हैं अभी इनॉक्स लड़ते हैं तो कौन सा प्लम्बर रैंकिंग मिलता है। चलो चलते हैं। Area 51. This is where the government used to do all its covert alien research. This place has sure changed over the last 40 years. From the looks of things, I think the Forever Knights beat us here. We can't let Vilgax or Enoch get at those alien weapons. If it's alien weaponry they're looking for. I'd be happy to light the way. चलो गेम स्टार्ट हो गया है। अच्छा इसमें शायद तो कुछ नया अनलॉक हो सकता है। अरे यहाँ पर मिलिट्री वाली जीप, इसको तोड़ सकते हैं। जीप ब्रेकेबल है। फॉरएवर नाइट, इजी पीजी। हाँ दो को पड़े, मैं अटक गया। दो कॉम्बो थे, इतने कम कम स्पॉन हो रहे हैं। भाई ये तो इजी था लेकिन टाइम टेकन बहुत था। एलिंग चाहिए बस। ओए बंदे तो भाई बहुत स्पीड में, सलमान खान की गाड़ी चला रहे थे क्या भाई? बहुत हवा में स्वॉर्ड चला रहे हैं ना वो। उसको तो मैं ये वाले एपिसोड को ना बहुत लंबा रखूंगा क्योंकि इसमें इनॉक का भी हम लोग को वो बहुत है। तेरी शील्ड को मैं तोड़ूं। अब जो आएंगे, अच्छा मेरे को एक बार देखना है ये हुआ बात भाई। अरे नहीं सामने भी है, चलो हेल्थ यहाँ से मिल जाएगा। मेरे को हीलिंग चाहिए ब्रो। ग्लैडिएटर मिल गया भाई हमको, कौन है फॉरएवर चैंपियन एलीट। शायद हील रीडिंग खराब है बस, डैमेज दिया इसने तो। निपटा सकते हैं। ओहो अंडे से धक्का बहुत मारता है ये, यहाँ खिला रेट ज़्यादा चल रहा है। तो निपट गया एक ही तो, जनरली तो ज़्यादा मिलते हैं। ओहो मरता यहाँ को आराम से काम आएगा बाबा। एक मिनट में कुछ चीज देखना है कि ये ड्रम फूटते हैं क्या।
उठते हैं। अरे वाह नया चीज, विल गेट स्ट्राइकर। ओहो इसके स्पीड ज्यादा है, लेकिन फेंगा कुछ नहीं मिला। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है इसका। यहाँ फायर ब्रीथ बहुत अच्छा काम आएगा, ड्रैगन ब्रीथ यानी कि। तो ब्रो तो मैं यहाँ से गेम को करूँगा थोड़ा स्किप, क्योंकि इसमें हमको पूरी तरह से इनॉक को मारना है। इनॉक दो फेसेस में आएगा जहाँ तक मुझे पता चला, तो इसको हम करने वाले हैं स्किप। हम लोग स्टार्ट कर रहे फिर यहाँ से जब हमको इनॉक मिलेगा। सो मैं एक बार इसको खेल चुका हूँ, पर वो वाली वीडियो फाइल जो कि टोटली क्रैश हो गई था। तो देखते हैं हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, और मैं अभी फिलहाल फंसा हुआ हूँ। एक को निपटाओ फिर एक को निपटाओ। एक गया, तुम कैसे बचे भैया, तुम भी निपट जाओ। इतने ही बंदे भेजे भाई, भाई शील्ड वाले पूरा टाइम देखेंगे। ओए होए दोनों की बीच में गया। शील्ड बस किसी के भी टूट जाए। भागो भागो भाग भाग भाग। तू तो मारा कितने भी वो कर ले। ओके भाई इसका साउंड नहीं आ रहा, लेकिन चल जब आ ही नहीं रहा तो अपना बकवास ही तो कुछ बोल रहा होगा। मैं तुमको दिखाऊंगा ये कर। अरे बाप रे तो तलवार दिखा रहा है भाई। हीलिंग मिलाऊंगा। अच्छा अब जाके एक्टिवेट कुछ इसका रिवॉर्ड सूट भी। अच्छा डैमेज पापरे, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। कुछ वेव सब होता है। पापरे बहुत तगड़ा डिफेंस। भाग भाग भाग। ये तो अच्छा ये तो एक्स कैलिबर चला रहा है ना। भाग भाग भाग। पापरे इससे तो ऐसे कंप्लेन वो आराम से हरा पाएगा। फिर दौड़ते ही आ रहे क्या? ओए भाग 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 भाग। बड़ा मेन बॉक्स ले तो भैया अपना फोर। ऐसे ही दूर दूर जा जाके इसको मारना पड़ेगा। पास से तो भैया नहीं लड़ पाएंगे इससे, तो बहुत ताकतवर है। चलो ज्यादा हेल्थ का नहीं है, सिंगल उसमें कर लेंगे इजी। मैं सोचा तो भाई इनॉक बहुत टफ है उस हिसाब से, लेकिन ये तो फुद्दू सा लग रहा है। मूव्स अच्छे हैं लेकिन पड़ा एक और पड़ जाए बस। दोनों को पढ़े लेकिन मेरे को पढ़े। It is possible, bro. 27 minutes लग गए। मैंने recording बंद करके खेला तो भी मेरे को 27 minutes लग गए। You fools! I seek to forestall the coming cataclysm. Your meddling has now placed our entire species in danger.
Cataclysm? What are you talking about? If there's a danger to Earth, surely we can help. None of you possess the strength of will to do what must be done to save humanity. But now that I have the Omnitrix crystals, I shall use the alien's own weaponry against them. Fear the universe! Enoch alone spells your doom! Omnitrix crystals can be used in weapons? Of course. The Omnitrix doesn't just store DNA. It holds incredible amounts of latent energy. I hate to interrupt the science convention here, but Enoch's getting away. In order to weaponize the crystals, first he'd need to find a place to generate absolutely massive amounts of electrical current. Someplace like the Hoover Dam? Why can't you just go on a game show like all the other know-it-alls? Chalo bhaiya. और मैंने लास्ट का एपिसोड में कचरा हो गया था, तो एरिया 51 के साथ हम पूरा इनॉक को इस बारी खत्म करेंगे। होवर डैम, चलो खेलते हैं। सोच के रखा था इनॉक को पूरा खत्म करूंगा। Does it come to this? The bad guys have run out of cool places to attack, so they just pick a giant concrete slab out in the middle of nowhere. Well, looks like he's not here. I guess the trivia princess loses again. No, he's here. He has to be here. Thanks for playing our show. We have some lovely parting gifts for you. Okay, continue karte hain. So, ye apne giant robot pe aa gaya. Wahan side side pe places hain. ये बकवास है, जल्दी खत्म ना क्या? अरे भाग, क्या बकवास है था ब्रो? ये पढ़ क्यों नहीं रहा है? आया बड़े अटैक हुए, इससे ही बनते हो आराम से मैसिव अटैक। हीलिंग ज्यादा खाता है लेकिन पाप, ये एक तो पाप। यहां से करना पड़ेगा पड़ा। अच्छा पावर तेरी एडवांटेज है प्रो तेरे लिए, जल्दी दौड़ के जाना पड़ेगा। हट, चलो मेरे को पता है ये अभी इस साइड पे आएगा तो खत्म ही ना बेटा तू। एक साइड से छोड़ गया, तो हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहेंगे। तो बचा, बच गया ब्रो टॉर्च। ये तो निपटा यार, गया गया गया। O B E R cutscenes। यार मैं गलत बटन दबा दिया, 2 मिनट का था ये, 10 मिनट और खींच लेगा। आज कॉम्बो
यार 2 मिनट का था, 10 मिनट अब और खींच लेगा। मम्मी बुलाई भी अलग है। चल चल जल्दी मर, जल्दी मर। चल चलो भैया, 4 मिनट लगा मेरे को, नहीं टोटल टाइमिंग 7 मिनट लगा। प्लम्बर रैंकिंग बी मिला है, अच्छा लास्ट टाइम से तो अच्छा ही है। The next day. So guys, we are back again, और हमारे भाई मम्मी ने बुला लिया था इसलिए मेरे को जाना पड़ा था, लेकिन मैंने अपना गेम को सेव कर लिया था तो अच्छा है, वरना मेरे को इनों को फिर से लड़ना पड़ता। प्लम्बर रैंकिंग ग्रेट मिली है, बी मिली है, अभी तक मेरे को ए नहीं मिला है। भैया हमको रैंक अब को 4 मिनट के अंतर खत्म करना है इनों को, भाई डिफिकल्ट है वैसे तो। और क्या है, ओवरऑल टाइमिंग हमको मिला है 7 मिनट 52 सेकंड, मतलब 8 मिनट में हम लोग ने पूरा इनॉक रोबोट को, जो कि उसका जाइंट रोबोट सूट था, उसको ख़त्म किया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कटसीन, और हाँ मैं चल उसको आखिरी में अनाउंस करूँगा। Well, there's one more bad guy who's all washed up. Get it, Grandpa? He's all washed up. We should have gotten more information from him. There's something much bigger behind this. Hey, look! Isn't that another piece of the... Omnitrix? Why, yes it is! Whoa, let's see who I got now. Great! The Rolling Wonder? Try not to trip into too many enemies. Alright, we got a mystery to solve. Let's bounce. Oh no! Let's go! Grandpa, get the door! I can't find my keys! Run faster! Cannon Bolt has been restored to the Omnitrix. अब हमारे पास कैनन बोल्ड आ चुका है, और इसके साथ हमारा इनॉक अब खत्म हो चुका है। ओके, होवर डैम, अच्छा था बस हमने यहाँ पर इनॉक के रोबोट को तोड़ दिया, फोड़ दिया, खत्म कर दिया, इनॉक खत्म है बस। बेस्ट टाइमिंग 7 मिनट 52 सेकंड्स। अब देखते हैं बस नेक्स्ट क्या है। ये तो बहुत अच्छा होने वाला, मिनिटरी सेंटर, मिनिटरी सेंटर भाई। इनॉक्स प्लान हैज बीन, बट रॉकेट ऑफ द ज़ेनोलिस फेवरेट नाइट, व्हाटएवर नाइट, सॉरी, रिमेन एंड मस्ट बी अ स्टॉप्ड। मिलिट्री सेंटर नेक्स्ट गेम हमारा वहाँ होगा, और हाँ मैं शायद तक ब्रो इस सब का जो कि है स्पेशल एबिलिटीज या फिर क्या बोलते हैं फ्यूचर वाला रहता है, जिसको सुबह समय कार्ड कलेक्ट करना पड़ता है, वो वाला मिशन को मैं अगले हफ्ते पोस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरे पास कैनन बोल्ट अनलॉक हो चुका है तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। और एक बार मैं फिर से एपिसोड 2 को लॉन्च करूँगा जब मैं पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुका हूँ, क्योंकि मेरे को एपिसोड 2 खेलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि इनॉक का बेस बहुत बड़ा है। ऊपर से पुराना जब हम लोग कैनियन से नीचे उतरते हैं वाला सीन भी बहुत बड़ा है, तो मुझे उसको लिए पूरी परफेक्ट लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा, तो हम इसको कुछ दिनों के अंदर ही करेंगे। और जल्दी जल्दी मैं रेजिडेंट ईविल सीरीज़ भी लाने वाला हूँ अपने चैनल पे, तो जो लोग भाई मेरे एक्टिव सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि रेजिडेंट ईविल 4 खेलने वाले हैं हम लोग जल्दी, फ़ोन पे, पीसी वीसी तो मेरे पास है नहीं, तो फ़ोन पे ही खेलेंगे। तो इतना था भैया आज के एपिसोड में, और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में, बेन 10 प्रोटेक्टर ऑफ द अर्थ में, मतलब ख़त्म करने के लिए।